साथ होने के बाद भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का रुख अलग अलग है। शिवसेना ने एक बार फिर से राम मंदिर का राग अलापते हुए कहा कि बीजेपी के पास अभी पूर्ण बहुमत है और अगर ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो आगे फिर कभी नहीं होगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने भारत को धोखा दिया है। काफी समय से हम लोग राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए ताकि लोग धर्म की राजनीति करना बंद कर सके। आपको बता दें कि शिवसेना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में नए साल पर एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अयोध्या में ना तो राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है और ना ही सरकार इस पर अध्यादेश ला सकती है। साथ ही पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण कार्य में देरी के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले भी शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर तत्काल मामला नहीं है। पीएम मोदी ने भी कुछ अलग नहीं कहा। मैं उन्हें मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी कहते हैं कि राम मंदिर के लिए कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे जिसका संवैधानिक अर्थ ये है कि भगवान राम कानून से बड़े नहीं है। शिवसेना ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर अपना रुख कड़ा कर लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।